Very good morning to all of you, Vitek. So the chapter of small business and entrepreneurship development, it's divided into two parts. Small business, we have already discussed. Okay, in that we discussed the definition of small business, classification of small business according to MSMED Act. Okay. Then we discussed about the role of small business in a country like India, and particularly in the rural areas. Rural areas mein ye zyada important hai, kyunki employment opportunities provide karte hain, logo ki income badhate hain, standard of living improve karte hain, theek hai, aur migration ko prevent karte hain. Then what else we discussed? Yes, the role of NSIC and DIC, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. मेरे को ध्यान में आया, वो हमने डिस्कस नहीं किया था. सो बेसिकली व्हाट इज एनएसआईसी एंड डीआईसी? बेटे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. दो तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है. वन, इट प्रोवाइड्स वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स. काफी स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स हैं जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए उनको दिए जाते हैं, जैसे कि टैक्स हॉलिडे हो गया, सब्सिडीज हो गई. ठीक है, टैक्स हॉलिडे समझते हो? कोई नए एंटरप्राइज, अगर कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप हो रहा है, उसको बोला तू इस रूरल एरिया में सेटअप कर, 5 इयर्स तक तेरे को हम टैक्स नहीं लगाएंगे. सो दिस इज द इंसेंटिव ऑफ टैक्स हॉलिडे. या अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं तो हमने कहा लैंड जो है हम आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे देंगे, राइट? सो बेटे जितने भी हम, आप जलंधर में भी देख लो, फोकल पॉइंट्स आपको पता है जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर लैंड जो है हमको सब्सिडाइज्ड रेट पर ही मिला हुआ है. ठीक है, आज अगर आप मार्केट रेट पे वहां पे लैंड लेने जाओगे तो दैट वुड बी वर्थ लैक्स करोड़. लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, उन्होंने जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये काटे थे यहाँ पर प्लॉट इंडस्ट्रीज के लिए, सो यू कुड हैव इट फॉर वेरी लेस रेट, सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया हुआ है. So that's why industry was promoted. That's how the industry was promoted in Jalandhar or in other states as well or cities as well. So next is institutional support. Institutional support means various institutions has been set up by the government of India which help small industries. So these are basic, mainly hum do ke bare mein discuss karenge yahan par. One, NSIC and another DICs. NSIC, National Small Industries Corporation, set up in the year 1955. ठीक है, so क्या role है इसका? Basically role वही है इसका. It is established to promote, aid and foster small industries in India. So what particularly does it do? The main role or objective of NSIC is, number one, to supply indigenous and imported machines and raw material on easy higher purchase system. Bete small industries ke aage sabse pehli problem kya hai? How to acquire plant and machinery. ठीक है, एंड हाउ टू एक्वायर गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल. सो अगर एक 1 करोड़ की मशीनरी है, आपको कोई फैसिलिटी दे दे उसको हायर परचेज के ऊपर बाय करने की. हायर परचेज क्या होता है? इट्स लाइक इन इंस्टॉलमेंट बेसिस. ठीक है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आपको फैसिलिटी दी जाए तो इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सेट अप बिजनेस और नॉट. So NSIC यही करती है. NSIC स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंडिजीनस और इंपोर्टेड मशीन्स. इंडिजीनस मीन्स इंडियन, मेड इन इंडिया, डोमेस्टिक कंट्री में बनी हुई. ठीक है, और चाहे इंपोर्टेड मशीन चाहिए हो चाहे इंडिजीनस मशीन चाहिए हो, वो सप्लाई करती है. सेम इज द केस विद द रॉ मटीरियल. रॉ मटीरियल भी उनको प्रोवाइड करती है ऑन इजी हायर परचेज सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट इज
to export the products of small industries and develop export worthiness. अब देखो हर इंडस्ट्रियलिस्ट का ड्रीम होता है कि वो एक्सपोर्ट करे गुड्स को, बट एक्सपोर्ट करना इज रियली टफ. एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमने स्किप किया, हमारे सिलेबस में नहीं था इस बारी, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी बहुत टेक्निकल होता है. मोर ओवर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलना, आप यू आर विलिंग टू डू एवरीथिंग. आप बोलो मैम बिजनेस शुरू ही कर लिया तो चैलेंजेस क्या, बट आपको ऑर्डर कब मिलेगा एक्सपोर्ट का? अगर आपकी एक्सपोर्ट वर्दीनेस अच्छी है वो तभी बनेगी अगर आपको ऑर्डर मिलेंगे. बेटे आप देखो ना अपनी गुडविल कैसे बनाओगे, लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ही उनको पता चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में. अब लोग कहते हैं हमने इसके प्रोडक्ट नहीं खरीदने, ये तो नई कंपनी है, तो वो एक सर्कल सा बन गया ना. हम कहते हैं हमारी कंपनी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट्स खरीद के तो देखो, लेकिन वो खरीद ही नहीं रहे कि इसकी हमें रेपुटेशन ही नहीं पता. हमारी रेपुटेशन बनेगी तब जब आप खरीदोगे. सो वही केस एक्सपोर्ट वर्दीनेस का है. तो एनएसआईसी क्या करती है, हेल्प करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज को गुड्स को एक्सपोर्ट करने में. ठीक है, ये इनके गुड्स लेके अपने किसी एक कोई भी ब्रांड, कोई भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो भी चाहती है एक्सपोर्ट करना, उसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है, उसकी सर्टिफिकेशन कराती है, सब कुछ जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती है. इस तरह से उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है. देन टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, एवरी स्मॉल बिजनेस नीड्स एडवाइजर्स, इजंट इट? ओनली कैपिटल इक्विटी इज नॉट सफिशियंट, दे नीड एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट एडवाइस, मेंटोरिंग. यस, सो NSIC is there to provide advisory services. Then to provide technological assistance. Technological assistance भी चाहिए. नई नई टेक्नोलॉजी रोज आती है तो कैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके, या नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसको, या किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है बाहर से मंगवानी चाहिए. So, ये सारी असिस्टेंस NSIC प्रोवाइड करती है. देन टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स. आज इंडिया में काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं. सो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज अ टर्म विच इज यूज्ड वेयर यू नो देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फर्म्स. ठीक है, जैसे जो हब बन जाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं बैंगलोर इज एन आईटी हब, है ना, तो इस तरह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, या सिलिकॉन वैली है जैसे. ठीक है, उसको बनाने में भी NSIC हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ NSIC. वेरी सिंपल, 3-4 मार्क्स में आ जाए तो इट्स रियली सिंपल. आप चाहो तो इसको विद हेडिंग्स भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके. देन अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू NSIC विद फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स. एक नई स्कीम NSIC ने सेटअप की है. ठीक है, स्कीम किसकी है? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग. कोई भी फर्म की परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, जो सेंसिबल इन्वेस्टर है ना बेटे, वो ऐसे नहीं देखता अच्छा इसका शेयर ऊपर को जा रहा है, चलो ये मैं खरीद लेता हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, मैं बेच दूंगा एंड आई विल बी अर्निंग प्रॉफिट, या मेरे फ्रेंड ने कहा है, टिप मिली है. नो, यू हैव टू गो थ्रू दी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ दी कंपनी एज वेल. ठीक है, सो ये जरूरी हो गया है. तो NSIC कंपनीज को हेल्प करती है, उसने एक नई स्कीम शुरू की है विद द टू ऑब्जेक्टिव्स. नंबर वन, sensitizing the small industries about the need of credit rating. Her company apni credit rating nahi karati. NSIC, it makes them aware, sensitize, samajhte ho word? So it's like to make them aware or to, you know, induce them, to tell them the need of going for credit rating. ठीक है, so वो small industries को encourage करते हैं कि आप अपनी company की credit rating कराइए.
Then encouraging the small business units to maintain good financial track record. अपना financial track record जो है वो अच्छा maintain करें, क्योंकि मैंने कहा ना आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखते हो, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं. दिस इज द टर्म बेसिकली वी यूज इन कॉमन लैंग्वेज, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आजकल वैसे ही लोग इक्विटी में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो इसीलिए टू इनकरेज देम टू कीप अ गुड फाइनेंशियल track record. ठीक है, so this is basically to ensure that they score higher rating for their credit requirements as and when they approach the financial institutions for their working or fixed capital requirement. जितनी credit rating अच्छी होगी उतना ही उनको easier loan मिल पाएगा. अगर वो financial institutions के पास जाते हैं, financial institutions provide them loan on the basis of क्रेडिट रेटिंग. लाइक यू नो सिबिल, अगर आपको लोन लेना है तो आपका सिबिल का स्कोर देखते हैं इंडिविजुअल्स का. इसी तरह कंपनी को लोन लेना है तो वो उनकी क्रेडिट रेटिंग देख के उनको लोन देते हैं. ठीक है, ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट NSIC. देन अनदर इज DIC, डिस्ट्रिक्ट Industries Center. This was launched in the year 1978 with a view to providing all the services and support facilities to the entrepreneurs for setting up small and village industries. So, जो small entrepreneurs हैं, ठीक है, जो कि अपनी industry set up करना चाहते हैं, चाहे वो village industry set up करना चाहते हैं, चाहे वो small industry set up करना चाहते हैं, तो उनको सारी सर्विसेज, सारी सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी DIC के द्वारा. सो क्या करता है DIC? नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम्स. ये आइडेंटिफाई करता है सूटेबल स्कीम्स. लाइक सपोजिंग आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली. लाइक आई रिमेम्बर व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई गॉट वन लेटर फ्रॉम DIC that if you are interested in doing business, bring your idea to us. ठीक है, so let us say आपको एक letter आई, आप DIC के पास गए, आपने कहा ये मेरा idea है. So they will help you in identifying a good idea, suitable scheme for setting up business. Then preparation of feasibility report. They will help you prepare feasibility report because so far you have studied what is feasibility report. फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा है ना, तीन तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं. क्या आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फिजिबल है, टेक्निकली फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं. सो थ्रेटिकली इट सीम्स वेरी सिंपल, बट व्हेन यू कंडक्ट दी स्टडीज यू रिक्वायर दी हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स. ठीक है, एक CA ही आपको बता सकता है कि आपके जो प्रोजेक्ट आप सोच रहे हो वो कितना को प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, आप नहीं बता सकते उसको. तो ओके, सो जो DIC है वो आपको फाइनेंशियल सॉरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. देन अरेंजिंग फॉर क्रेडिट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. दे अरेंज फाइनेंस फॉर यू, मशीनरी फॉर यू and other equipments required by you to set up your business. Then provision of raw material and other extension services. So aur bhi raw material wagaira ki aapko zarurat hai ya aur bhi extension services ki zarurat hai, DIC aapko assist karta hai. Theek hai, so basically jo DICs hai wo kya kar rahe hain, they are trying to bring change in the attitude of the rural entrepreneurs. जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका दायरा जो है ना वो बहुत छोटा होता है. वो छोटे से बिजनेस में काम करके और अपने घर का गुजारा चल रहा है, दे आर हैप्पी विद दैट. सो DIC हेल्प्स देम टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एटीट्यूड. जैसे सपोज एक हैंडलूम इंडस्ट्री है, उसको कहेंगे कि अब जैसे वो
अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, शहर में आके बेच देता है, ठीक है, उसको इतना को पैसे मिल जाते हैं कि उसका गुजारा हो जाता है। बट अगर वो डीआईसी में अपने आप को इनरोल करता है, डीआईसी में हेल्प देम यू नो इन चेंजिंग इज एटीट्यूड के तू अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर, मार्केटिंग कर, तो उससे तेरा जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। आज का जो टाइम है ना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का टाइम है। आप ये नहीं कह सकते अरे इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये नहीं चलेगा। यू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट एंड यू हैव टू क्रिएट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स दीस डेज बिकॉज दे नीड इट। वो इसलिए नहीं खरीदते कि जरूरत है प्रोडक्ट की, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जरूरत उनको महसूस कराई गई है। दे बेसिकली डोंट नीड इट। दे हैव बीन यू नो गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। आपके पास 5 पेयर ऑफ शूज हैं, आपको चाहिए कितना? 1। नीड कितने की है? 1 की है। बाकी 4 आपने क्यों खरीदे हैं? आपने फ्रेंड के देख लिए, आपको कलर अच्छा लगा, आपके दिमाग, आपने एडवर्टीजमेंट देख ली, आपको ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, अच्छा वहां पे जाना है, अपने शूज ही पहन के जाना है या नई ड्रेस ही पहन के जाना है, नई जगह जाना है, ठीक है ना, ये कंफर्टेबल ज्यादा है, ये वॉक के लिए है, ये स्पोर्ट्स, ये रनिंग के लिए है, ये खेलने के लिए है, ऐसे ही होता है। एंड देयर वाज अ टाइम के जब मिल्खा सिंह बिना उन शूज के भी यू नो रिकॉर्ड बना गया था। सो नीड नहीं है, नीड क्रिएट की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये चीजें। तो ये चीजें जो हैं सिखाई जाती हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स को कि किस तरह से आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? जहां पे भी वर्ड ये लग गया ना शिप, इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस व्हाट ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ डिफाइंड, सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस। एक डिफाइंड और सिस्टमेटिक, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप होता जा रहा है सब कुछ, नो, एक सिस्टम से हम करते हैं इसको, सिस्टमेटिक है और क्रिएटिव प्रोसेस है। ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या है? You have to identify the need. कि आपको लगता है कि कौन सी नीड मैं अपनी कम्युनिटी की सेटिस्फाई कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, टू what प्रोवाइडिंग what काइंड ऑफ गुड और सर्विस, किस चीज की जरूरत है हमारे कंट्रीमैन को, ठीक है। कुछ जैसे अब let us say we are becoming health conscious, so you may think of say organic fruit, organic vegetables, organic spices, organic dals, ayurvedic medicines, yes, so such kind of need you can identify, and then mobilizing the resources, need identify kiya, resources ko ikattha karna padega us need ko satisfy karne ke liye, and organizing production, fir aap kya karoge, production karoge, ऑर्गेनाइज करोगे, यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करोगे और आउटपुट प्रोड्यूस करने की तरफ जाओगे विद अ व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स बाय डूइंग प्रोडक्शन। व्हाट विल यू डू? यू विल सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर मीन्स यू विल बी सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। एंड देन You will be providing value to the investors. आप अपने investors को भी value provide करोगे, and profits for the self. बेटे, business जो है profit motivated activity है. So you don't have to forget yourself. Your अगर आप profit की तरफ नहीं जाओगे ना, तो क्या होगा? आप एक time पे आके आप कहोगे अच्छा मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा, I am not going to do this business now. ठीक,
So you have to keep certain amount of profits for yourself in accordance with the risks and uncertainties associated with the business. Okay, so I'm reading out the definition once again. Entrepreneurship is defined as a systematic, purposeful, and a creative activity of identifying a need, mobilizing the resources, and organizing production with a view to delivering value to the customers, returns to the investors, and profits to the self in accordance with the risks and uncertainties associated with the business. Okay. So, or in other words, you can say entrepreneurship is the process of setting up one's own enterprise. ठीक है, इतना कुछ करने का मतलब क्या है? आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो, रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब यू आर सेटिंग अप योर ओन एंटरप्राइज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी. यू आर सेटिंग अप योर ओन एंटरप्राइज, यू आर नॉट इंगेजिंग योर सेल्फ इन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन. ठीक, सो दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप. And now, what is entrepreneurship development? It's the process of increasing the skill and knowledge of entrepreneurs. Development ka matlab? Improving the skill and knowledge of the entrepreneurs. How can we improve the skill and knowledge of the entrepreneurs? Through various training, education programs. ठीक है, यू विल फाइंड थ्री वर्ड्स. वन इज एंटरप्रेन्योर, अनदर इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड लास्ट इज, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. एंटरप्रेन्योर इज द वन हु बियर्स द रिस्क्स, आइडेंटिफाइज नीड्स, ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन. यस, द प्रोसेस अंडरटेकन बाय द एंटरप्रेन्योर doing all these activities, that is entrepreneurship. And the outcome of entrepreneurship, enterprise. Yes, so entrepreneur is a person who works towards setting up an enterprise. Works means process, entrepreneurship, and the outcome, setting up of an enterprise. Firm is an enterprise. Clear? ठीक है. Now, what are the characteristics of entrepreneurship? First of all, it is a systematic activity. Entrepreneurship ऐसा नहीं है कोई तीर तुक्का लग गया, अच्छा चलो बिना सोचे समझे कहीं पे दुकान खोल के बैठ गया और बहुत चल पड़ी, ऐसा नहीं है. It is not something you know which is gifted to you, koi ek mysterious gift nahi hai, chance se nahi ho raha hai. It is a systematic, step by step, purposeful activity. Theek hai, you need to have certain skills, knowledge and competencies. Theek hai, aapko ye cheeze ya to aapke andar inbuilt honi chahiye ya aapko acquire karni padti hain through your education. That could be, you know, formal education like you are receiving right now, or it could be vocational education. आप किसी एक particular काम में जाना चाहते हैं, supposing आप हौजरी के काम में जाना चाहते हैं, तो आपको जाकर वो सीखना पड़ेगा. ठीक है, so vocational training हो, और by observation, work and experience. आपने क्या किया, आपके चाचा जी इस काम में थे, आप उसी काम में जाना चाहते हैं, आपने चार पांच साल उनके साथ काम में लगा दिए. सो देयर यू लर्नड थ्रू योर ऑब्जर्वेशन, थ्रू योर एक्सपीरियंस, एंड नाउ यू आर रेडी टू सेट अप योर ओन एंटरप्राइज. सो इट्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, नॉट समथिंग विच हैपन्स बाय चांस. यू हैव टू हैव सर्टन स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज विच आर आइदर इनबिल्ट और इट कैन बी एक्वायर्ड. Okay, then lawful and purposeful activity.
The purpose of entrepreneurship is a lawful business. Unlawful activities ko, even though you are getting profit out of it, you cannot call it entrepreneurship. आप कहते हो कि हम तो स्मगलिंग कर रहे हैं, देखो मैम कितना बड़ा रिस्क है इसमें और हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं, लॉफुल एक्टिविटी. ठीक है, सो कोई भी इलिसिट बिजनेस, इलीगल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलवाएगा, चाहे इसमें वैल्यू क्रिएट हो रही है, चाहे आप इसमें कोई नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे आप रिस्क भी उठा रहे हैं, it cannot be termed as entrepreneurship. Then innovation, pehle bola tha na, entrepreneurship is a systematic, purposeful and creative activity. So it involves any innovation or introduction of something new. Theek hai, ek entrepreneur need recognize karta hai ki logo ko kis cheez ki zarurat hai और इस चीज को वो बनाता है, इनोवेट करता है. ठीक है, इनोवेट, इन्वेंट करता है या इनोवेट करता है. सो व्हेनेवर वी प्रोवाइड समथिंग न्यू टू द कस्टमर, ओनली देन यू नो वी कैन क्रिएट द नीड एंड सेटिस्फाई अवर पीपल. अब स्मार्टफोन है, उसमें देखो कितने इनोवेशंस आए. ठीक है, पहले कैमरा, फिर कैमरा में इंप्रूवमेंट्स आई, फिर अच्छा लेंस लगना शुरू हुआ, फिर सेल्फी फ्रंट कैमरा में कोई बहुत कम, हम कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी फ्रंट कैमरा की. देन केम अ टाइम के सेल्फी का कल्चर आ गया, तो फ्रंट कैमरा अच्छे देने शुरू कर दिए. ठीक है, सो इन दिस वे मेनी इनोवेशंस. आज तो आप सारा लैपटॉप का काम अपने मोबाइल पे, कितने एप्स हैं जो आपको फ्री मिलते हैं, तो ऑल दीज आर इनोवेशंस. हम रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है सारी चीजें, वी नेवर रियलाइज, but there is a team working. ठीक है, so these are innovations. In a way, जब आप social media पे जाते हैं तो आपने, मैंने शायद पहले भी discuss किया था, have you ever noticed? अगर आप कोई एक post like करते हो तो उस तरह की और कितनी सारी posts आपको दिख जाती हैं. So there is a team working. They are, वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर नजर रखी हुई है उन्होंने. अब आप बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं. सो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स हियर, पर्संस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वो देख लेते हैं, अच्छा ये पर्सन ने क्या हो गया, 10 घंटे से फोन ही नहीं यूज किया, इट्स देयर लॉस. जब आप 10 घंटे से अपना फोन नहीं यूज कर रहे हो तो ये इनका नुकसान हो रहा है. सो बाय यू नो थ्रोइंग सम पोस्ट, डूइंग समथिंग लाइक दैट, they motivate you to use it and you people become their victims, isn't it? All of us. Ek documentary hai, Social Dilemma, usme aap dekho, aap pata chalega how aapko kaise bali ka bakra banaya jata hai. Theek hai, aapke dam pe kaise ye jo firms hain profit earn kar rahi hain. So the thing is innovation has to be there, nahi to aap bore ho jaoge. कोई भी बिजनेस में आपको, आज का कस्टमर ऐसा है, मैं सिर्फ फोन की ही बात नहीं कर रही हूं, तो यू ऑलवेज वांट समथिंग न्यू. तो अगर आपको हमें मोटिवेट करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 5 pair ऑफ शूज हैं, तो कैसे आपको 6वां शू बेचना है हमने, वी हैव टू गिव यू समथिंग न्यू. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अगेन अनदर feature of entrepreneurship. After deciding the idea, you have to organize, you have to assemble different factors of production so that you can organize the production. Theek hai, okay, time is up, rest we will do tomorrow. That's all for today.